लहसुन ढंग से छील। आज शादी का दूसरा दिन है, यानी कि आज होने वाला है हल्दी बाना। कल के दिन पर यार मेहंदी नाइट नहीं दिखा पाया, दरअसल हम लोग खाना खुना खिलाने में इन सब चीज़ों में बिजी रह गए। मुझे लगा शायद खाना खाने के बाद में ये सब चीज़ें होने वाली है, तो कहीं ना कहीं मिस हो गया। लोग भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं, ढोल दमाव बज रहे हैं, इसका मतलब भाई लग रहा शायद शुरू हो गया है ना। और साथ में मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, मौसम काफ़ी बढ़िया। आज के दिन पर ना आसपास के गांव के लोग आने वाले हैं, जैसे गड़गांव हो गया, तल्लामल्ला गड़गांव, साथ में उकाल चरगाड़, ये जितने भी गांव हैं आसपास के, वो सभी आने वाले हैं। तो आज उनका भी वेलकम होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे न्यू तेर बोला जाता है, तो आज न्यू तेर पे न्यूते गए हैं, तो उसको भी दिखाने वाले हैं। सुबह सुबह प्रेम भाई भी आ गए हैं, पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। चावल कहाँ? गाय का जी। अच्छा, गाय के लिए, तो चावल लेके जा रहे हैं गाय के लिए। चलो हो गया ना तैयारी पूरी? हाँ। तो अब हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर दिखाना शुरू करते हैं आपको। ये पूरी की पूरी तैयारी भी हल्दी बाने की हो रही है, और थोड़ी देर में हल्दी बाना दिया जाएगा यहाँ पे। तो अभी उससे पहले जो पूजा पाठ चलता है ना, उसकी तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। और इस खुशी के माहौल में पहाड़ी ढोल दमाव और मसक बीन की धुन अलग ही रंगत बिखेर रही है। जहाँ एक ओर सब लोग शादी में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी ओर माई दीदी सबको आशीर्वाद देती जा रही हैं, जिनको कि बगल वाले गांव यानी कि जबरोली गांव से बुलाया गया है। और हमारे गांव की हर शादी में माई दीदी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। हल्दी बाना का प्रोसेस तो शुरू हो गया, और लगभग आधा दिन लग जाता है इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करने में ना, क्योंकि सारे गांव के लोग, जितने रिश्तेदार मेहमान होते हैं, सभी लोग बाने देते हैं हल्दी बाना। उसके बाद में दूल्हा नहाता है, तो उसको दिखाएंगे आगे चल के। अभी हम चलते हैं जहाँ पर कि कल के दिन पर पूरी सजावट करी थी, ये सब चीज़ें कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर अभी खाना बनने की तैयारी हो रही है, चाउमीन बन रखी है यहाँ पे। अभी नाश्ते में, जिनका नाश्ता नहीं हुआ है, वो चाउमीन नाश्ते में करेंगे आज। आज चाउमीन बना रखी है। कहाँ गया बनाने वाला? तो बोला चाचा ने बना रखी यार चाउमीन आज ना। तो यहाँ पर आज के दिन पे खाना बन रहा है, पंडित जी बनाते हैं आज के दिन पे। तो जो मैंने केसरपुर गांव अभी दिखाया था आपको रिसेंटली, उसी गांव से हैं पंडित जी। तो अभी बन रहे हैं मीठे चावल, साथ में उस साइड में और खाना भी बन रहा है, मतलब दाल चावल और जो चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन एक दिन पंडित जी का बनाना बहुत ज़रूरी है शादी में। जहाँ एक और खाना बन रहा है, वहीं दूसरी ओर तैयारी हो रही है हल्दी बाना, यानी कि थोड़ी देर में हल्दी कूटने वाली है और हल्दी बाना शुरू होने वाला है। अभी दरअसल हल्दी बाना की ना शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अभी छोटी बच्ची से, एक कन्या से हल्दी कुटाई जाती है, जो कि उखल में कूटा जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हल्दी बाना शुरू करेंगे। फिर के टाइम पर जो दीदी है वो यहाँ पर हल्दी कूटना शुरू कर दी है, और जैसे ही हल्दी कूट कर कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद में फिर हल्दी बाना शुरू कर देंगे। बाकी धीरे धीरे गांव के लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई, यानी कि शादी ब्याह में ना। साथ में क्या हो रहा है कि प्याज और ये सब चीज़ें काटी जा रही है, यानी कि सब्जी भी काटी जाएगी थोड़ी देर में। जो खाना बनेगा पूरे गांव के लिए होता है, जितने भी मेहमान आते हैं, जितने भी गांव के लोग होते हैं, सभी के लिए। बाकी जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो सारे गांव वाले ही लोग करेंगे। और जैसे खाना में अभी जो चावल, मेन जो चावल है ना, चावल बनाना पंडित जी का मस्त होता है हमारे यहाँ। चावल जो बनेंगे पंडित जी बनाएंगे, बहुत शुभ माना जाता है ना यहाँ पे। बाकी उसके अलावा जितनी भी सब्जी सुब्जी बनेगी वो तो गांव वाले ही बनाएंगे। सारी पूजा समाप्त होने के बाद में अब शुरुआत हो चुकी है बाना की, जिसका कि सभी को इंतज़ार था। तो इसी पल के लिए सब लोग सज धस के आते हैं बाने देने के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो ये परंपरा है, ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो हम भी चलते हैं बाने देते हैं, और उसके बाद में आपसे फिर मिलते हैं। तो अभी के समय पर ये बाने दिए जा रहे हैं यहाँ पे, हल्दी बाने।
सबसे पहले परिवार वाले देते हैं, फिर उसके बाद में रिश्तेदार, फिर गांव वाले साथ में देते ना। तो अभी इसको काफ़ी टाइम लगने वाला है इस प्रोसेस को, कि धीरे धीरे लोग आना भी शुरू हो गया। वैसे एक तरफ में तो बाने दिए जा रहे हैं और दूसरी साइड में मांगल, यानी कि गांव से कुछ लोगों को मांगल के लिए इनवाइट किया जाता है। और खास करके जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं ना, वो लोग मांगल लगाते हैं। जैसे कि यहां पर दादी और बुड्ढी साथ में फूफू लगा रहे हैं यहां पे मांगल। अभी के टाइम पर दूल्हे को नहाने में दरअसल काफ़ी टाइम है, यानी कि अभी के टाइम पे बाना ही चल रहा है, जो कि थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया था, छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई थी। और यहाँ पर जितने भी अपने गांव में भाई लोग आ रखे हैं, चाचा भाई लोग, भुल्ले जितने भी हैं, सभी आ रखे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि खाने की तैयारी हो रही है दरअसल यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा सामान को हटा के फिर खाना शुरू करते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया ना लगभग। तो दिन के वैसे 12:30 बज चुके हैं और अभी के टाइम पर सारे बाने ही चल रहे हैं। दरअसल काफ़ी मेहमान लोग अभी आने बाकी है, तो उनका भी इंतज़ार होगा। फिर उसके बाद में दूल्हा नहाएगा, यानी कि सुधीर भाई नहाएंगे। तब तक हम ऐसा करते हैं कि गांव की तरफ में चलते हैं, थोड़ा गांव से घूम के आते हैं। आज देखो सिमाल के पीछे भाई हिमालय दिखाई दे रहा है, जस्ट जोकिंग। पूरा का पूरा पीछे बादल लगे हैं ना, कितना प्यारा कितना खूबसूरत। तो गांव की शादी में मज़ा ही कुछ और है यार। बाने के लिए भाई सारे लोग जाना शुरू हो गए गाँव के। सपना, चंदू और ज्योति आजकल तीनों रखे हैं घर पर, ज्योति नहीं करिश्मा सॉरी। तो सेमो भी भाई सज धज के तीनों एक जैसी ड्रेसें पहन के जा रही हैं, बिल्कुल तीनों ऐसी लग रही है जुड़वा बहने, नहीं है भाई? बहुत टाइम से देख रहा हूँ गांव में ककड़ी चोर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फाइनली भाई ककड़ी चोर तो मिल ही गए गांव में है। कहाँ ले जा रहे हो? उधर खाने के लिए। अच्छा बढ़िया, तो अपने गाँव का पंदेरा, पंदेरे में धोना शुरू करो भाई ककड़ी को, और वहीं खाएंगे फिर। तो थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पे पहुँचने में ना, खाना दरअसल बन चुका है, यानी कि लगभग लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, वो सीन दिखाना रह गया यार। तो अभी के टाइम पे लोग बैठे हैं, अपने गांव के मेहमान लोग जितने भी हैं सब बैठे हैं, और पंडित जी आज खाना खिलाते हैं सबको ना। सबसे पहले मीठे चावल खिलाए जा रहे हैं सबको, यानी कि हमारे लैंग्वेज बोले तो खुशका। और खुशका खिलाने के बाद में फिर वाइट जो नॉर्मल चावल होता है वो खिलाया जाएगा फिर सबको। तो इसको जो बांटते हैं वो सिर्फ पंडित जी ही बांटते हैं, इसके बीच में किसी को भी अलाउड नहीं होगा। जैसे कोई चप्पल चुप्पल पहनेगा ना, वैसे कुछ लोगों ने पहन रखी है, वो शायद पंडित जी ध्यान नहीं दे रहे होंगे, अदरवाइज उतरवा देते हैं तुरंत। और जब तक ये टाक उठती नहीं है ना पूरे, सबको सब खाना नहीं खा देते तब तक कोई नहीं उठ सकता इससे। लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं और मैं आया हूँ ककड़ी लेने के लिए अपने गार्डन के बीच में। तो हमारे यहाँ पर ककड़ियाँ हो रखी थी दरअसल, जो ककड़ी आती है यानी कि खीरा आता है, और ककड़ी में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार टेस्ट में ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ककड़ियाँ भी हो रखी हैं, जैसे एक ये हो रखी है, एक ये हो रखी है, साथ में वो है, ये है, ये है। तो यहाँ पर काफ़ी ककड़ियाँ हो रखी है। मैं ऐसे करता हूँ, तोड़ता हूँ और लेकर चलते हैं इनको। तो ये तो शायद रहने देते हैं इसको, क्योंकि थोड़ी सी पीली लग रही है ज़्यादा ना, तो इसको तोड़ना शुरू करते हैं। और वहाँ पर जाके पहले मैं तोड़ लेता हूँ एक बार। भाई खीरा लेके आ चुके हैं यहाँ पे, अब लोगों को दिखाते हैं खाना खाते हुए। सब लोगों ने खाना खा दिया, अब हम ऐसा करते हैं कि हम भी बैठते हैं खाना खाने, हम भी अब पेट पूजा करते हैं यार, भूख ना बहुत तेज लगी है दरअसल। दादी आज सज धज के आई है ना, बढ़िया खाना खाने के लिए, बढ़िया। देख रहे हो साथ में गुलाबंद सब लोगों ने ऐसे पहने हैं, ये देखो गुलाबंद पहन रखे हैं सोने के, देख रहे हो कितने मोटे मोटे। तो मिल गई भाई खाने के लिए, साथ में पत्तल भी मिल गया, तब देखते हैं कितना टाइम लगता है खाना पहुँचने में। थैंक यू भाई। तो जैसे जैसे लोग आएंगे, फिर जैसे एक बार सारे बैठ जाएंगे ना, फिर खाना शुरू करेंगे। वक्त ना किधर जाने, इधर का नहीं सो रहा है।